तो कल ना मैं एक भैया से बात कर रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि जैसे कि ऐसे ही कुछ जो इवेंट होते हैं, तो मैं कई कई बार बात करता हूँ अपने दोस्तों से, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि आजकल बच्चे ना जैसे खुद को नुकसान करने लगते हैं, कोई बच्चा खुद को परेशान कर रहा है, कोई बहुत डिप्रेशन में रह रहा है। डिप्रेशन में रहने के लिए देखो सफलताएं असफलताएं कंपेरिजन है, ये बात है, तुलना का खेल है। जैसे तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो आईएएस बनेंगे, और धीमे धीमे तुम कोशिश करते करते गलती से मानो उस लाइन को न छू पाए, आईएएस ना बने, तो तुम खुद को क्या सोचोगे, मैं असफल हो गया। लेकिन तुमने जो जो नॉलेज गेन की उसका कोई मतलब नहीं समझा फिर तुमने, हैं? अब क्या चक्कर क्या पड़ रहा है आज के ज़माने में, जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब लोग रहते हैं इंटरनेट की दुनिया में, हमारा वास्तविक जीवन से ज़्यादा कम नाता रहता है, वर्चुअल दुनिया से ज़्यादा नाता रहता है, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब। और यूट्यूब पे आजकल ज़माना क्या आ गया है, रील्स का ज़माना, 30 सेकंड की रील्स 2 सेकंड में ख़त्म करके निकालनी है। तो क्या हो गया कि उस पर बड़े बड़े मोटिवेशनल बात आते हैं, कह देखो मैंने एक कोई जैसे कोई पुलिस का सिपाही बन गया तो अपनी एक आईडी बनाएगा सुपर कॉप करके, और वो डालेगा रोज वीडियो, कहेगा कह रहे बहुत सरल है पीसी पुलिस की परीक्षा कोई पास कर लेगा। एक कोई जैसे एसडीएम बन गया, एक कोई तुमने सीओ बन गए, वो डालते रहते हैं हर समय कि मैं बहुत गरीब था, चीज डालते हैं। भाई गरीब कौन नहीं चाहता इस देश में कि मैं आगे तरक्की करूं, कौन कोई आदमी ऐसा होगा चाहता होगा फेल हो जाऊं। लेकिन इन सब चीज़ों को देख देख के ना कंपैरिजन तुम ज़्यादा करने लगते हो कि बताओ जब, और एक मोटिवेशनल कि जिस चीज़ को तुम कर सकते हो उससे ज़्यादा तुमसे सेवा कोई नहीं कर सकता। और एक और आईएएस टॉपर्स, 2 महीना मैंने पीटी के लिए पढ़ा पास हो गया मेरा, 3 महीना मैंने मेंस के लिए पढ़ा मैंने मेंस पास कर लिया, 1 साल की मैंने तैयारी की मैंने टॉप कर दिया। भाई वो उसकी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी अलग है। कंपैरिजन करके किसी के साथ नहीं रहना। और एक चीज़, दुनिया में कई बार तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो शुरू में तुम्हारे सपनों को देख के तुम्हें मोटिवेट कर रहे होंगे, अरे तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो। कई बार मिलेंगे तुम्हें अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिनसे तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें लगाव होगा, तुम्हें लगेगा अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं जी, हमें कितना सपोर्ट करते हैं, है ना, चलते फिरते तुम्हारा हाल पूछेंगे, तुम्हें जब बाहर जा रहे होगे तो तुम्हें चाट के लाके देंगे। इतनी समझनी है कि हमें ज़्यादा प्रेशर लेना ही नहीं है। मानो कि जैसे हमारे घर वाले ही हैं, मानो एक दिन ऐसा आए जिंदगी में कि तुम परीक्षा देते 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 तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बहुत नफरत करने लगे, तुम्हारे जितने भी दोस्त वोस्त सब नफरत करने लगे और तुम भी खुद से नफरत करने लगो, तो उस समय तुम्हें किस किस से कौन संभालेगा, तुम्हें अकेले तुम ही संभालोगे। भाई दुनिया नफरत कर रही है, जीवन है जान है तभी तो जहान है। अरे भाई हमें भगवान ने 80 साल 20 साल 50 साल 70 साल जीवन दिया है, हार्ट अटैक से मरे तो अलग बात है और किसी नुकसान से कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन हम खुद को ही नुकसान क्यों करें। कई बार क्या होता है आदमी का जैसे कोई नुकसान हो जाएगा दीवार में हाथ मार देगा, कई बार देखा होगा ना तुमने, कई बार आदमी खुद के थप्पड़ मारने लगेगा। अरे किसी और क्या होगा ना, कई बार जो तुम्हारे जीवन में लोग होंगे वो इतने निगेटिव हो जाएंगे कि तुम्हें बार बार टॉर्चर करेंगे, अरे कि तुमने ऐसा कर दिया तुमने वैसा कर दिया, तुम ये नहीं कर पाए, तुम आईएएस नहीं निकाल पाए, पीसीएस नहीं निकाल पाए, रेलवे नहीं निकाल पाए, बैंक नहीं निकाल पाए, वो नहीं निकाल पाए, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। इवन तो घर वाले भी कह सकते हैं अरे तुम्हारी वजह से हमारा सब खत्म हो गया। मानो घर वालों का खत्म भी हो गया तो घर वाले भी तो 60-70 साल ही तो जिएंगे। अरे भाई तुमने पूरी कोशिश की, हाँ दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट ये सब चीज़ों से दूर रहना है। ऐसा नहीं कि घर वाले पैसा भेज रहे हैं भाई दारू पी रहे हैं, ऐसा नहीं कि घर वाले पैसा दे रहे हैं और तुम और चीज़ों में खर्च कर रहे हो, जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पूरी करनी है कभी भी। और हाँ एक और चीज़ नहीं करनी, ऐसा नहीं लिखना है कहीं पर, कई बार आजकल क्या होता है कि एक लक्ष्य बना लो कोई दूसरा लक्ष्य बनाई मत, लक्ष्य बनाने ही, जैसे मानो कि आईएएस के लिए यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं हम, तो यूपीएससी परीक्षा के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि भाई धूप क्यों निकलती है और सुबह कैसे होती है, और जैसे इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, यही तो पढ़ रहे थे हम। लेकिन अगर मानो कि हमें बैंक का एग्जाम देना है तो बैंक के एग्जाम में थोड़ी सी थ्योरी आएगी लेकिन फैक्ट भी आएगा कि इस समय इन्फ्लेशन कितना है, 4.9 है कि 4.5 है। तो जब हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एक आध फैक्ट याद कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। जैसे हम पढ़ रहे हैं मौलिक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं उसे पढ़ते समय हम क्या हो रहा है, पॉलिटी हमारी चल रही है मौलिक अधिकार चल रहे हैं, तो हम उसमें आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में क्या क्या लिखा है ये भी तो याद कर सकते हैं ना। कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा हम फैक्ट की तैयारी कर सकते हैं, और जब भी कोई एग्जाम हमारे सामने आएगा तो उसमें हम, और ऐसा नहीं बोलना है कोई कहेगा हमने पुलिस का फॉर्म डाल दिया है, अरे तुमने जो डाल दो तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे, अरे भैया हम डाल दो है हम नौकरी कर सकते हैं पुलिस की, क्यों लिख रहे हो आईएएस की तैयारी करते हुए पुलिस की नौकरी ना करेंगे, और जो ना ज्ञान झाड़ रहे हो अरे हम नॉलेज चेक कर रहे हैं ये कर रहे हैं। आईएएस का अलग खेल होता है, इसका अलग खेल होता है, नॉलेज वॉलेज चेक करना कुछ भी नहीं है, हम भी भैया दे रहे हैं, सिंपल सी बात, इसमें कहने में इतनी कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे कहीं दीवार पर लिख लो कि ओनली आईएएस बनेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में ऐसे जो अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे उन्हें पकड़ेंगे नहीं।
कई बार घर वाले ऐसे भी कहेंगे कि भाई तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो जो मिले उसे ढूंढ लो। कई बार कल एक बच्चा मिला, वो कह रहा था कि हमारे घर वाले कहते हैं कि जो मिले उसे ले लेना। तो जो मिले उसे ले लेना ये भी तो नहीं पता हमें क्या क्या मिलेगा। अरे बीएड करने के बाद कोई टीचर बनना है, टीचर की भर्ती निकला तुम बीएड ही नहीं हो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें। तो कहने का मतलब ये है कभी भी जीवन में चाहे कितना नुकसान हो जाए खुद को हार्म नहीं करना है। हाँ नुकसान हुआ है तो एक जगह बैठना है, कॉपी पे लिखना है किस किस वजह से नुकसान हुआ है, और उसी दो पन्ने पे सामने वाले पन्ने पे लिखा है कि क्या क्या चीज़ें करूं सही तो इस नुकसान की भरपाई कर पाऊंगा। और हमेशा ना खुले हाथों से खुली आँखों से जीवन को जीना है। जो भी चीज़ आ रही है हमारे पास उसे ना हमें आत्मसात करना है। अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो उनसे सीखना है, बुरी चीज़ों को दूर जाने। अच्छा ये बताओ जब कोई गाली देता तो तुम उससे गाली को तुरंत सीख लेते हो क्या? नहीं सीखते, तुम बोलते भी नहीं हो। तो ये वाली बात मैं कल बहुत ध्यान से सोच रहा था, मुझे भी लगा कई बार मुझे लगता है कि अरे ये वाला पेपर नहीं पास हुआ, वो वाला नहीं हुआ। तो पेपर पास तुमने डिसाइड क्यों किया था पेपर पास करने का? हैं, एक हमारे गांव के एक चाचा हैं, मैं उनसे पूछता हूँ चाचा तुमने कभी पेपर का क्यों? मैं तो एक के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो मैं क्यों सोचूंगा कि पेपर पास हुआ या नहीं हुआ? मेरी तो पढ़ाई छोड़ गई तो मैं क्यों सोचूंगा आईएएस के बारे में? अरे आराम से तब से खेत वेत करता आ रहा हूँ, आराम से जीवन जी रहा हूँ, ट्रैक्टर ले लिया ट्रैक्टर चला रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुम डिसाइड कर रहे हो ना कि तुम फेलियर हो गए। फेलियर तो तुम हो ही नहीं, तुमने तो नॉलेज गेन कर ली बहुत ढेर सारी। तो कभी भी प्लीज किसी भी सरकमस्टांस, हाँ जब ज़्यादा नेगेटिव लोग हो जाएं जीवन में एक काम जरूर करना, उनसे दूरी जरूर बनानी है थोड़ी सी। जब कोई तुमसे बार बार कहेगा तुमसे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाई ठीक है होगा या नहीं होगा हम डिसाइड करेंगे और वो परीक्षा डिसाइड करेगी। लेकिन ऐसे लोगों से ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि उनसे दुश्मनी मान लेनी है, उनकी कोई बात नहीं माननी है, ठीक है थोड़ा कम वो जब तुम्हारे बारे में इंटरफेयर करें तो नॉर्मल से रहना है। ठीक है भैया देखते हैं, कोशिश करते हैं, सब लोग दुनिया कोशिश कर रही है। अब 1000 पोस्ट आती है यूपीएससी की, 800,000 फॉर्म भरते हैं भैया, सब कोशिश कर रहे हैं, बन जाएंगे इसमें तो नाम ले लेंगे अपना, और नहीं बनेंगे तो कौन सा हमारे घर से बहुत सारा चला जा रहा है, सीख ही रहे हैं, है ना। तो कोई भी परीक्षा है साथ में, जैसे अब ये दे रहे हो आ गई रेलवे की परीक्षा, डाल दो फॉर्म, लेकिन उसके लिए पढ़ो थोड़ा सा। और एक और चीज़, एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत ध्यान से बताऊँगा, रिविज़न। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मतलब रिक्वेस्ट ही करूँगा कि एक पूरे समय में रिवीजन के लिए कोई समय तो रहना है। और रिवीजन करना कैसे है, एक दिन जैसे हमने पॉलिटी शुरू कर दी या फिर हमने इकोनॉमिक्स शुरू कर दी तो हमें ये वाला इकोनॉमिक्स का रिवीजन तब तक करना है जब तक इकोनॉमिक्स पूरी खत्म ना हो जाए। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे इकोनॉमिक्स का रिवीजन किया और कल 2 घंटे फिजिक्स का करेंगे, फिर अगले दिन क्या बोलते हैं पॉलिटी का करेंगे, फिर हिस्ट्री का करेंगे। जिसका रिवीजन कर रहे हैं उसे पूरा खत्म करना है, रोज़ 2-2 घंटे, है ना। और कोशिश करनी है कि ज़्यादा पन्नों को थोड़े कम पन्नों में समझने की कोशिश करनी है। और जब बार बार रिवीजन करोगे फिर अगली बार कोई और लो और इसका बीच में रख लो कि भाई जब हो जाएगा ये वाला चैप्टर भी फिर इसके बाद तुरंत इसे लेंगे। तो जब बार बार रिवीजन करोगे ना तो चीज़ें सीख में आने लगेंगी। और प्लीज़ कभी हर्ट नहीं करना है खुद को, तो कभी हर्ट नहीं करना है चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि दुनिया में जो अच्छा मानो अब तक भारत आज़ाद हुआ था 2-4-5 हज़ार तो आईएएस बन गए होंगे ना। कितने आईएएसों को जानते हो तुम बताओ? कितने आईएएसों का तुम्हारे घर में चित्र लटका हुआ है? गांधी का जरूर लटका होगा किसी न किसी घर में, अंबेडकर का शायद लटका होगा, है ना। अरे नहीं लटका तो अंबेडकर के बारे में तो ज़्यादा जानते हो ना। भगत सिंह का लटका होगा कहीं पे, स्कूल में लटका होगा। कितने आईएएसों का स्कूल में फोटो लटका होता है बताओ तुम? हैं, किसके आईएएस की तुम दिवस मनाते हो कि ये वो आईएएस हो गए तो उनका शहीद दिवस है? भगत सिंह का जरूर मनाते हो तुम। कहने का मतलब ये है कि आईएएस और किसी नौकरी को पाके बस जीवन यापन किया जाता है। जीवन यापन करना जरूरी भी है और सामान्य लोग भी। अच्छा जैसे किसी ने नर्सिंग कर ली तो नर्सिंग के बाद जो हॉस्पिटल में काम करता है वो भी तो जीवन यापन कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए प्लीज़ कभी नुकसान नहीं करना है। और जब पूरी दुनिया नेगेटिव हो जाए तो बाहर में जाए दुनिया, जिंदगी अपनी जीनी है, सबको छोड़ छाड़ के कहीं कोई ऐसी सामान्य सी नौकरी ढूंढ लेना। नहीं कुछ ना करो तो 50 बच्चों को घेर के बैठ जाना, पढ़ाना शुरू कर देना। नुकसान कभी खुद का करना नहीं है, बस सीखना है कि चीज़ों को कैसे करना है। अच्छा ये बताओ, मैं रोज़ रोऊंगा ना, मेरे सामने से जब कोई मर्सिडीज बेंच दे के निकलेगा और मैं पुरानी स्कॉर्पियो में जाऊँगा तो मैं रोऊंगा ना, यार देखो ये स्कॉर्पियो में जा रहा है, ये मैं ऐसे ही रह गया ज़िंदगी में। लेकिन जब सामने से साइकिल वाला निकलेगा, पैदल वाला निकलेगा, या जीवन भर उसके 15-20 साल से रेडी पे जो पट्टी लगा रहा है, अरे मतलब जो वो होते हैं ना ठेल वाले फल वल बेच रहे हैं, फिर उनसे तुलना करो फिर तुम। हैं, गांव में तुम्हारे पास कम खेत है मान लो, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि तुम्हारा कम खेत है फिर भी तुम्हारे कम खेत में काम करने आते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी खेत नहीं होता है। तो तुलना वुलना से नहीं सीखना है। और घर वाले भी जब डांटते हैं ना तो जब डांट रहे तब डांट सुन लो, लेकिन बाद में उन्हें समझाओ
कि पापा मम्मी आजकल वैसे ही बहुत प्रेशर रहता है, आप हमें बताओ कि हम कैसे कैसे स्टेप में पढ़ाई करें, तो हम उस तरह से करें। तुम ये कहो कि ये वाला रिजल्ट दे दें तो हम खराब रिजल्ट देने के लिए थोड़ी नहीं बैठे यहाँ पे, हम भी अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बताओ कि हम कैसे कैसे करें, कितने घंटे करें, ऐसे प्लीज़ कभी भी हार मत करना खुद को। ये मैं तुम्हें बहुत रिक्वेस्ट करूँगा। और ये वीडियो देख के दो घंटे पढ़ के मैं आईएएस बन गया, तीन, अब जैसे पीटी आता जाएगा ना आईएएस का, एक घंटे में पूरी, जैसे मैराथन क्लास चलती है यूट्यूब पे, 12 घंटे में पूरी करंट अफेयर्स। यार पूरे बार एक साल को तुम 12 घंटे में कैसे कवर कर लोगे, हैं? इसलिए अखबार पढ़ने की आदत डालो, गाना वाना सुनने की भी आदत डालो, खूब अच्छे अच्छे गाने भी सुनो, भजन वजन सुनते हो तो भजन वजन भी सुनो, पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ भी करो, अपने लिए भी समय दो, एक्सरसाइज करो, है ना, उस तरह से भाई प्लीज़ कभी नुकसान नहीं करना है। हाँ उसने, हाँ लड़की सही कहा, कोटा वाली लड़की ने यही लिखा है कि मैं एक फेल्ड गर्ल हूँ पापा। अच्छा फेल गर्ल कैसे हो गई तुम, अगर पहले आई आई टी होते तुम खुद IIT होते, उसके बाद तुम IIT नहीं कर पाते तो तुम फेल हो। तुम पहली बार IIT का एग्जाम दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है तो IIT की परीक्षा में फेल हो ना, जीवन में फेल थोड़ी नहीं हो, बताओ तुम। और मान लो सरकार एक बार करे कि भाई जितने IIT के आज फॉर्म भरे हैं इस साल, उन्हीं बच्चों को 10 साल तक एग्जाम दिलाना है, तब भी सभी IIT बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे भाई। चलो यूपी पुलिस की परीक्षा है, 51 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सरकार कह दे हम हर साल 60,000 नौकरी निकालेंगे हर साल, और यही बच्चे फॉर्म भरेंगे और कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा, तब भी सभी बन जाएंगे क्या? चाहे कितना भी पढ़ लें, चाहे कितनी भी कोचिंग लगा लें, बताओ तुम कितनी साल लगेंगी? अगर हर साल 50,000 नौकरी लगेंगी निकलेंगी तो 51 साल के लिए, 51 लाख के लिए कितनी साल लगेंगी? अरे भाई दो साल में 1 लाख भर्ती भरी जाएंगी, 2 साल में 1 लाख भर्ती भरी जाएंगी, हैं? तो 2 साल में 1 लाख भर्ती भरी जाएंगी तो 51 लाख के लिए कितनी साल लगेंगी? 102 साल लगेंगी, और 102 साल में तो जिन्होंने फॉर्म भरे मर जाके चले जाएंगे, तो वो फेल हो गए। इसीलिए ना भाई बहुत ध्यान से करना है जो चीज कर रहे हैं, और ऐसे नहीं, दिमाग खुला रखना है बहुत दम से, लेकिन पढ़ाई दम से करनी है। और ये भी नहीं सोचना है करे 10 पोस्ट आएंगे तो हम तो मरी जाएं, प्रशांत भैया ने बोला है, हार्म नहीं करना है, बस परीक्षा के लिए कंपटीशन करनी है दमदारी के साथ, सीखना दमदार, आंसर राइटिंग दमदारी से करनी है, दमदारी से MCQ बनना है खुद। जैसे मैं कई बार मैं भी डांट देता हूँ तुम लोगों को, अब डांटने के बाद तुम घर जाके ऐसे नहीं करना, अरे प्रशांत भैया कहते हैं कहा हम कहाँ फंस गए ऐसे दलदल में, भाई भगवान ने ये क्यों दिया इधर, इसी का